हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। जब हम करेंगे तो हमारे मन में एक विचार आएगा कि आखिर हमको ये क्यों करना है। हम सब जानते हैं कि जब कभी कोई बहुत विकट परिस्थिति आती है उस समय एक जन जागरण करना बहुत आवश्यक होता है कि उस विकट परिस्थिति से निपटने के लिए। आज देश में कोरोना जो है ऐसा एक विषय बन गया है जैसे युद्ध जैसी स्थिति हो। अब इस युद्ध जैसी स्थिति में देश घिरा है, संकट से हम जूझ रहे हैं, पूरी मानवता पर ही संकट है। ऐसी परिस्थितियों में जीवन में कभी कभी जब आती हैं तो हमको अपनी एकता दिखानी है। ऐसी विकट परिस्थिति में पूरे समाज को जागृत करना है और मैं समझता हूँ इस जागरण के लिए हमारे लिए दो ऐसे चप्पू हैं हमारी नौका को पार कर सकते हैं। एक है मनोबल और दूसरा है एकता। अर्थात मनोबल माने जैसे कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। ऐसा कहते हैं कि दो चीजें डर और जोश, ये ऐसी चीजें हैं इसको जितना आप फैलाना चाहें, जब फैलाना चाहें तब आप फैला सकते हैं। जोश को हम फैलाएंगे तो लोगों में जोश पैदा होगा, डर को पैदा करेंगे तो डर पैदा होगा। तो हमको डर पैदा नहीं करना है, आज उस डर को समाप्त करना है। तो उसके कारण से हम लोग इस उत्साह को पैदा करने के लिए ऐसे हम काम करते हैं। इसी प्रकार का एक काम प्रधानमंत्री जी के कहने पर हमने लॉकडाउन से पहले एक दिन जनता कर्फ्यू ये किया था और उस जनता कर्फ्यू का भी अर्थ यही था कि हम लोगों के अंदर एक उत्साह पैदा करें। और जनता कर्फ्यू के दिन ही सायंकाल 5 बजे हमने ताली बजाने का भी काम किया था। उस ताली बजाने का हेतु था कि हम अपने जो राष्ट्र रक्षक हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं और तरह तरह की हमारी सेवा करने वाले पैरामेडिक्स हैं और इसी साथ सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस सुरक्षा बल है, उनका हम धन्यवाद करें। उस धन्यवाद करने के लिए हमने ताली बजाकर अपना शंखनाद करके उनका धन्यवाद किया था। इस प्रकार के सब कार्यक्रम कोई आज कर रहा है ऐसा नहीं है, इतिहास में बहुत ऐसे अवसर आए हैं जब ऐसे कोई ना कोई कार्यक्रम करके जनता को जागरण किया जाता था। हम जानते हैं आजादी के पूर्व गांधी जी ने इस प्रकार के कई आंदोलन चलाए। गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए लोगों का आह्वान किया, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से भी लोग नमक बनाने के लिए वहां उमड़े और नमक कानून को तोड़ा। उन्होंने लोगों में जागरण पैदा करने के लिए विदेशी कपड़ों की होली ये जलाने के लिए आह्वान किया, लोगों ने अपने सब विदेशी कपड़ों को जलाया। प्रभात फेरियां ये शुरू कराई, प्रभात फेरी शुरू करने का अर्थ यह है लोगों में जागरण हो और स्वाधीनता के प्रति मन में एक आग ये पैदा होनी चाहिए। जब तक जनता एक नहीं होगी तब तक हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। एक समय देश की स्वाधीनता आई, हमारे प्रधानमंत्री उस समय के श्री लाल बहादुर शास्त्री, देश में अन्न का संकट हुआ था और उस अन्न के संकट के समय उन्होंने आह्वान किया था कि क्या हम ऐसा फैसला नहीं कर सकते कि हम एक समय का सप्ताह में भोजन ना करें। यदि एक समय का भोजन नहीं करेंगे तो हमारी जो धन की कमी, हमारी जो अन्न की कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। और लोगों ने माना, आज भी बड़ी आयु के बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो हर सोमवार को सायंकाल भोजन आज भी नहीं करते हैं, वो याद कराते हैं कि शास्त्री जी का जो आह्वान था उसको पूरा करने के लिए हमने उस समय व्रत शुरू किया था और उस व्रत को आज हम निभा रहे हैं। ये सब लक्ष्य एक ही होता है कि हमारे समाज की एकता हो, सजगता हो, उत्साह का वातावरण हो, मोटिवेशन प्रेरणा मिले और उस प्रेरणा को पा करके और हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उस लड़ाई को हम करते रहें। हमारा उद्देश्य केवल दिया जलाना नहीं है बल्कि लोगों में एक उम्मीद जगाना है कि ये संकट जो सारे देश में सारे दुनिया में है इसको हम समाप्त कर सकते हैं और निश्चित रूप से समाप्त होगा। हमारा ये संकल्प, हमारी ये प्रतिज्ञा ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से और वो प्रदर्शित होती है। दीप जलाना केवल आस्था का ही विषय नहीं है, ये सहानुभूति भी है और मैं तो यहां तक कहता हूं कि ये श्रद्धांजलि भी है उन प्रति, उन हजारों लोगों के प्रति जो इस कोरोना के युद्ध में हमारे से बिछुड़ गए हैं, हमारे से अलग हो गए हैं। लेकिन हमको श्रद्धांजलि देते हुए ये जरूर याद रखना है, हजारों लोग भले ही इस कोरोना के भेंट चढ़ गए हों लेकिन हमको लाखों करोड़ों को बचाना भी है। लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है, ये जारी है,
शंखनाद से हमने संकल्प की आवाज ये लोगों तक पहुंचाई हुई थी और ये जो जलाया हुआ दिया है ये विश्वास की रोशनी को दिखाएगा। इसलिए भाइयों बहनों हम लोगों को आज रात्रि 9 बजे इस कार्यक्रम को अवश्य और करना है। हाँ, कुछ सावधानियां भी हमको बरतनी है। उन सावधानियों में मुख्य रूप से कि हमको अपने घर में ही रहकर ये दिए जलाने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का वो मंत्र हमको याद रखना है। ऐसा ना हो कि हम घर के सब सदस्य या मोहल्ले के सदस्य इकट्ठे होकर के किसी एक जगह पर दिए जलाएं। दूसरी बात, हम अपने घरों की लाइट बंद करें। घरों की लाइट ही बंद करनी है। घर में पंखा, एसी, गीजर, फ्रिज आदि ये हमको जला के रखने हैं, चला के रखने हैं। दीपक जलाने से पहले, अग्नि जलाने से पहले मैं विशेष तौर पर सावधानी आपको बता रहा हूं कि हमको सैनिटाइजर से अपने हाथ नहीं धोने हैं। सैनिटाइजर, इसमें अल्कोहल होता है, ये आग पकड़ता है। इसलिए इसका एक निवेदन है कि किसी भी कीमत पर सैनिटाइजर से हाथ धोकर, हाथों पर लगाकर दीवार न जलाएं। हाँ, जब 9:09 के बाद हम ये दीपक जलाकर अपने कार्यक्रम को समाप्त करेंगे उसके बाद निश्चित रूप से और हम लोग सैनिटाइजर से अपने हाथ ये धो सकते हैं। इस बात की विशेष सावधानी रखें। सार्वजनिक स्थानों की लाइटें ये सब जलती रहेंगी, इसको हमने नहीं बंद करना है। स्ट्रीट लाइट्स, इसको भी हमको जलते रखना है, स्ट्रीट लाइट भी बंद नहीं करनी है। डिपार्टमेंट भी इस बात को ध्यान रखेंगे कि सार्वजनिक स्थान और स्ट्रीट लाइट्स को ये जलते हुए रखेंगे। हम लोगों को अपनी बालकनी में, घर के छत के ऊपर या घर के द्वार के ऊपर या घर की खिड़की में से ये सब काम करने हैं और हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें और इस कार्यक्रम को यदि सफल करेंगे तो निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा संदेश जाएगा। आज मैं कुछ अपील भी करना चाहता हूं। पहली अपील कि जो लोग कोरोना से पीड़ित पॉजिटिव आ रहे हैं उनको तो निश्चित रूप से क्वारंटाइन में, क्या आइसोलेशन में और हॉस्पिटल में भर्ती होना है। वहां हॉस्पिटल में भी अपना अनुशासन दिखा ही रहे होंगे। मेरा निवेदन है कि सब अनुशासन दिखाएं। जैसे हमारी मेडिकल टीम, जैसे हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के देने वाले लोग वो हमें गाइड करते हैं, उस प्रकार से हमको रहना है। एक और जो बड़ा, एक दो दिन पहले ही बड़ा संकट खड़ा हुआ है, हमारे कुछ तबलीगी लोग जो तबलीग का काम करके समाज में शायद वो जागरण करते रहे होंगे, उनके इकट्ठे होने पर बहुत से लोगों में कोरोना के वायरस का फैलने का ये अंदेशा बना हुआ है। उनके लोगों की टेस्टिंग भी हो रही है, बहुत से लोग पॉजिटिव निकले हैं। हो सकता कुछ आज लोग अपने आप को एकांत स्थान पर रखे हों। मैं अपील करता हूं कि अगर कहीं हम कुछ लोगों के संपर्क में आए हैं, ऐसे तबलीगी लोग, ऐसे जमाती लोग, इन सबको अपने आप को आगे आकर के और टेस्टिंग के लिए आना चाहिए। क्योंकि हम केवल इसमें अपनी ही चिंता न करें, हम सारे समाज की चिंता करें और अपना और समाज का और परिवार का, तभी इसमें भला होगा कि किसी को भी शंका हो तो आकर के टेस्टिंग के लिए आगे आए। ये मेरी अपील उन सब लोगों से है। इसी प्रकार अगले सप्ताह में कुछ त्योहार आ रहे हैं, समाज के उत्सव आ रहे हैं। जैसा पहले भी हमने संकल्प लिया है, इन सब उत्सवों को हम लोग इकट्ठे होकर के नहीं मनाएंगे, अपने घर में सामान्य तरीके से यही हमको मनाने हैं। उदाहरण के तौर पर कल 6 तारीख को भगवान महावीर जी की जयंती का दिन है, तो भगवान महावीर जी की जयंती के दिन हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी का भी जन्मदिन है। इन दोनों अवसरों को हम सामूहिक रूप से कहीं इकट्ठे न हो, अकेले हम इन अवसरों के ऊपर जाकर के अपना जो काम करना है। 8 तारीख को बुधवार के दिन शबे रात और हनुमान जयंती, ये दो उत्सव आ रहे हैं। इन दोनों उत्सवों पर भी हमको उसी प्रकार से अकेले अकेले अपने स्थानों पर रह करके इसको मनाना है। 10 अप्रैल गुड फ्राइडे, हर वर्ष का एक त्यौहार होता है, गुड फ्राइडे भी ये आ रहा है, इसको भी हमने उसी नियमावली से अलग अलग अपने घर में रह करके मनाना है। इसी प्रकार 12 अप्रैल ये ईस्टर संडे है, हमारे ईसाई बंधुओं के लिए ये चाहे गुड फ्राइडे हो या ईस्टर संडे हो, इसके ये त्यौहार का महत्व है। उस दिन भी कभी किसी को इकट्ठे नहीं होना है। अगले दिन 13 तारीख को बैसाखी है, 13 अप्रैल बैसाखी के दिन उत्तर भारत में बहुत बड़े बड़े मेले भी लगते रहे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को इन मेलों के अंदर इस बार नहीं जाना चाहिए, हम अपने घर पर ही रह करके सारे कार्यक्रम को करें। 14 तारीख को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, ये भी कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को भी हम लोगों ने किसी ने भी सामूहिक रूप से नहीं मनाना है।
मैंने कुछ ये बिंदु आपके सामने इसलिए रखे हैं कि समाज की एक आस्था होती है महापुरुषों में, उत्सवों में, उन उत्सवों को और महापुरुषों की जयंतियों को हम लोग इस बार सामूहिक रूप से न मनाएं, ये मेरा निवेदन है। मैं कुछ घोषणाएं भी और आपके सामने कर रहा हूं और वो शिक्षा विभाग को लेकर के है, स्कूली शिक्षा विशेष तौर पर पहली से लेकर के और आठवीं कक्षा तक सभी विद्यार्थियों को बिना किसी परीक्षा के अगले वर्ष 2020-21 की कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। वो अगले शैक्षणिक सत्र के जैसे ही हमारे स्कूल खुलेंगे वो अपना दाखिला ले सकेंगे। इसी प्रकार नौवीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी परीक्षाएं पूरी कर ली हैं, अगले सप्ताह में उनका रिजल्ट तैयार हो जाएगा और उनके रिजल्ट आने के बाद वो भी स्कूल खुलने के बाद दसवीं कक्षा में जा सकेंगे। इसी प्रकार दसवीं कक्षा का जो परीक्षा हुई है उसके अंदर विज्ञान विषय की परीक्षा ये शेष रह गई है। हमने फिलहाल ये निर्णय किया है कि विज्ञान की परीक्षा के बिना ही इन लोगों को शेष जो परीक्षा हुई है, जो विषय हुए हैं, उनके प्रतिशत के आधार के ऊपर 11वीं कक्षा में दाखिला दे दिया जाएगा। परंतु विज्ञान संकाय के जो विद्यार्थी हैं समय आने पर उचित समय के बाद उनका विज्ञान की परीक्षा ये ले ली जाएगी। 11वीं कक्षा में विद्यार्थियों को केवल गणित परीक्षा की नहीं हुई है, इस गणित की परीक्षा भी हम लोग अभी इनको 12वीं के अंदर एडमिशन मिलेगा, लेकिन गणित की परीक्षा बाद में उचित समय के ऊपर ये ली जाएगी। 12वीं कक्षा का परिणाम ये अभी इसके बारे में निर्णय कुछ हुआ नहीं है, एनसीईआरटी के निर्णय के बाद इसमें भी निर्णय लिया जाएगा। अर्थात इन स्कूल के विद्यार्थियों को जैसे जैसे परीक्षाएं इनकी हुई है, जो इनको छूट दी गई है उस छूट के बारे में मैंने बताया है, ये सब स्कूलों के खुलने के बाद तुरंत ये लागू होंगे। मैं आपको पुनः निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि आज रात्रि 9 बजे जैसा प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, पूरे देश में अपने घर की लाइटों को बंद करके हम वहां पर दिए से, टॉर्च से, मोबाइल टॉर्च से रोशनी करें। 9 मिनट के इस कार्यक्रम को एक उत्साह से, सफलता से, संकल्प लेकर, प्रतिज्ञा करके कि हमको कोरोना को भगाना है, इस प्रतिज्ञा के साथ इस कार्यक्रम को पूरा करें। निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कोरोना हरियाणा से हारेगा, भारत से भागेगा। धन्यवाद। महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं इस दौरान, खास तौर से स्कूली व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं और उसमें पहली से आठवीं तक जो है बिना रिजल्ट के ही, बिना एग्जाम के ही